Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. In today's video, I'm going to recommend to you 20 of such best skincare pharmaceutical products that are as good as the drugstore ones. In fact, in some cases, they are even better. These are all really high quality products that are super budget friendly and most importantly, they are completely safe to use. इसमें मैंने कोई भी ऐसा product include नहीं करा है जिसको use करने के लिए आपको कोई medical prescription की जरूरत है because I think even अगर कोई ऐसा product मेरी जानकारी में था भी जो कि मुझे लगता था कि पोटेंशियली बेनिफिट कर सकता है आपको बहुत एरियाज में बट अगर उसके लिए कोई स्पेशल केयर की जरूरत है जो कि अगर आप केयरलेस हुए और आपको नुकसान हो जाएगा या फिर जिसके लिए हमें किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत है तो पर्पसली आई हैव एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम द वीडियो बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स माई प्लेस एंड आई शुड बी आइडियली डूइंग दैट. ऑल्सो विद फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स द चैलेंज इज अगर आपको सूट कर गए तो नथिंग लाइक इट, लेकिन कोई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वो सूट नहीं करते हैं तो आप इसमें से जो भी प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं प्लीज उसको थोड़ा सा पैच टेस्ट करके टेस्ट आउट करके और फिर ही आप उसको कंटिन्यू करें और धीरे धीरे ही उसकी जो क्वांटिटी है जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज करें. नाउ पॉसिबली आपके जो भी स्किन केयर कंसर्न्स हो सकते हैं मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के थ्रू सारे एड्रेस हो जाएं. अगर आपको मीलिया का प्रॉब्लम है, स्टबन टेक्सचर का प्रॉब्लम है या फिर डार्क नीज, एल्बोज, नकल्स, डार्क लिप्स, कॉर्नर्स आपके कट होते हैं या फिर पुराने कोई दाग धब्बे हैं तो पिगमेंटेशन है, उस तरह की हर तरीके की प्रॉब्लम से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने कोई ना कोई प्रोडक्ट आपके लिए रखा है एंड आई एम रियली होपफुल दैट दिस वीडियो विल बेनिफिट यू अलॉट. Alright, so since we have about 20 products to cover in a single video, without any further delay, I think we should just begin. So let's start our list today with a really effective face wash for acne prone skin type. And this is a recent discovery. This is called AHA Glow, which mainly is AHA Glow. Because it's 1% glycolic acid, which is a gentle exfoliator. Ka kaam karta hai. Uske saath isme potassium hydroxide, bhi hai, vitamin E, bhi hai, aloe vera. Bhi hai. Bahut achha face wash hai, gel based, hai, bahut comfortable. Hai, aur isme aapko kaafi saare colorful mili capsules dikh jayenge, green, blue, red, is tarike ke color ke. Now, not to worry, these are not the plastic beads. These are very gentle design. Dissolvable beads, इनको आप easily जब massage करेंगे अपने हाथों से ही आप उसको crush कर लेंगे, पूरा dissolve हो जाएगा completely. काफी अच्छा experience है इसको face wash करने का और अगर आपको acne pimples का problem होता है तो आप इसको दिन में एक बार use कर सकते हैं और आपको काफी फायदा होगा. हालांकि यहाँ पे मैं एक चीज कह दूँ कि मैंने कई बार सुना है कि इसको dermatologist prescribe करते हैं cystic acne के लिए, fungal acne के लिए, pustules वाले acne pimples के लिए भी, जो कि मुझे लगता है कि I'm somehow not very comfortable with that idea because जब मैं इसको use करी थी इसमें actually फ्रेग्रेंस है और वो बिल्कुल लास्ट इंग्रेडिएंट नहीं है, लास्ट से थर्ड या फोर्थ इंग्रेडिएंट है और आप फील भी कर सकते हैं कि इट इज प्रीटी मच देयर. इट्स नॉट दैट इट्स सो नेग्लिजिबल दैट यू कैन अवॉइड इट, राइट? इट्स देयर इन अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी. तो मुझे लगता है जिनको सिस्टिक या फंगल एक्ने हैं उनके लिए आइदर इट इज सब्जेक्ट टू पैच टेस्ट और सिंपली बेस्ट होगा यू स्टे अवे फ्रॉम इट बिकॉज इसमें फ्रेग्रेंस तो है. बट इफ फ्रेग्रेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम टू यू देन दिस विल रियली हेल्प यू अलॉट. The second product is for people who keep on having milia, जिनको बहुत stubborn texture का problem है, tiny bumps skin पे आते रहते हैं. वैसे acne pimples नहीं होते लेकिन tiny bumps वगैरह आते रहते हैं. In fact, अगर आपको occasional breakouts भी होते हैं then this product will really help you. And I'm talking about Sebo gel. इसमें 2% salicylic acid है और 6% nicotinamide gel है. तो basically एक antibiotic होता है और वो जो acne causing bacteria होता है उसको control में रखता है. तो आपको जो infection वगैरह की वजह से छोटे छोटे whiteheads वगैरह trigger होते हैं हमें गर्मी में, स्वेटिंग में या फिर कोई गलत प्रोडक्ट यूज कर लिया इसलिए, तो उसको काफी हद तक ये कंट्रोल में रखता है. बेस्ट पार्ट इज कि काफी जेंटल और सूदिंग है. इसको लगा के आपको टिंगलिंग सेंसेशन नहीं होती. इसको जब भी आप लगाएंगे आपको ऐसा लगेगा आपने कोई बहुत कूलिंग सा मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल लगाया है. इट इज दैट सूदिंग. एक चीज आपको इसके साथ ध्यान रखनी है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग हैं या अगर आप टीनेजर्स हैं तो आप अवॉइड करें इसको यूज करना. लेकिन अदरवाइज अगर आप स्किन केयर 18 एंड अबव हैं और आप स्किन केयर में जस्ट यू नो इवन इफ यू आर वेरी न्यू टू केमिकल एक्सफोलिएशन एंड ऑल दैट, स्टिल दिस प्रोडक्ट इज वेरी मच सूटेबल टू यू. Product number 3 is a moisturizer for acne prone skin type and this is Sebamed Clear Face Care Gel. This one is so lightweight and extremely comfortable to use on a day to day basis. आप इसको दिन में दो बार आराम से लगा सकते हैं. इसमें कोई artificial color और fragrance नहीं है, किसी भी तरह के oil और emulsifiers नहीं है. बहुत soothing formula है और काफी आपकी skin को relax करता है. इसमें hyaluronic acid है, aloe vera है, इसमें allantoin है, pentanol है, सारे बहुत calming ingredients है. Day to day basis पे जिन लोगों को acne pimples आते रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है. मैं इसको सालों से यूज कर रही हूँ और कंप्लीटली इस पर रिलाई कर सकती हूँ.
प्रोडक्ट नंबर 4 इज अ स्पॉट ट्रीटमेंट फॉर द पीपल जिनको बहुत फ्रीक्वेंटली पिंपल्स आते रहते हैं. अगर आपको सिस्टिक एक्ने आते हैं, पस्ट्यूल फिल्ड पिंपल्स आते हैं, वो जिनमें वाइट एक हेड बना होता है, या बिल्कुल जो पेनफुल वाले रेड पिंपल्स आते हैं, तो ये प्रोडक्ट आपको एक्चुअली बहुत हेल्प करेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट बेंजैक एसी. इसमें बेंजोल पेरोक्साइड है 2.5%, जो कि बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है और बहुत कम भी नहीं होता है, इसलिए काफ़ी इफेक्टिव होता है और आपकी स्किन को सूट कर जाता है. इवन इफ यू हैव द मोस्ट सेंसिटिव स्किन टाइप, यू कैन स्टिल यूज इट. प्लीज रिमेंबर, से आपको स्पॉट ट्रीट करना है, तो फॉर एग्जांपल आपको एक दो दिन में कहीं जाना था, अब अचानक से आपको पिंपल आ गया है, तो आप इसको रात के टाइम पे अगर लगा के ओवरनाइट छोड़ देंगे तो 2 से 3 रातों में ये अपना काम आराम से कर देगा. इनफैक्ट अगर फ्रेशली डेवलप्ड पिंपल है तो एक ही रात में ठीक हो जाएगा. आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग एंड दिस प्रोडक्ट नेवर डिसअपॉइंट्स मी. दिस इज समथिंग यू कैन जस्ट ब्लाइंडली रिलाई ऑन. एक बात का आप ध्यान रखिए कि क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट्स नेक्स्ट डे आपकी स्किन को थोड़ा फोटो सेंसिटिव कर सकते हैं, तो इसलिए एसपीएफ आपने कभी भी इसके साथ भूलना नहीं है. Product number 5 is for people who keep on having a lot of pimples, not only on their face but also on their body. अगर आपको अपने back पे या buttocks पे इधर उधर acne pimples होते रहते हैं, या black and white head होते रहते हैं, या फिर आपको you know KP का problem है, आपको strawberry legs वगैरह का problem है, तो ये product आपको definitely help करेगा. I'm talking about face cleanse. This one is this one tiny tube. इसमें आपको nicotinamide gel मिलता है और clindamycin मिलता है. ये सब antibiotics होते हैं और skin को soothe भी करते हैं. The best part about using these kind of products is के जब भी आपके acne pimple को dry out करते हैं, तो आपकी rest of the skin को खराब नहीं करते, उसका balance नहीं disturb करते हैं, skin को soothe करते हैं, which I really like in products like this. Also, this one has a great and a very unique combination of some cosmeceutical components like a tea tree and aloe allantoin. In fact, इसका जो base है वो भी aloe allantoin ही है, तो वो हमारी इरिटेबल सी स्किन के लिए बहुत सूदिंग और कंफर्टिंग होता है. सो दैट वेज दिस प्रोडक्ट इज अ रियली ग्रेट स्पॉट ट्रीटमेंट फॉर एक्ने एंड पिंपल्स. प्रोडक्ट नंबर 6 इज फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डार्क लिप्स. दिस इज द लिप्स लाइट लिप लाइटनिंग क्रीम. नाउ इस प्रोडक्ट के बारे में आपको डिटेल में बताने से पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूँ. सी, हम सब ब्राउन स्किन पीपल हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट है कि हमारे जो लिप्स हैं वो पिगमेंटेड ही होंगे. तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से आपको कोकेशियन स्किन वाले प्लम चेरी लाइक लिप्स मिल जाएंगे. हमारी स्किन ऐसी है तो उसको आप अच्छे से हैप्पीली एम्ब्रेस करें. बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपकी बैड हैबिट्स की वजह से आपके लिप्स बहुत डार्क हो गए या फिर सन टैन वगैरह की वजह से, तो उस शेड को एक आध हद तक लाइटर जरूर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. एंड ऑब्वियसली बाय बीइंग कॉन्शियस अबाउट द अदर थिंग्स दैट यू आर डूइंग टू योर लिप्स, द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग, यू आर नॉट स्मोकिंग, यू आर नॉट ड्रिंकिंग टू मेनी हॉट बेवरेजेस एंड थिंग्स लाइक दोस. ओके, सो या दिस प्रोडक्ट अगर आपको इस तरीके के एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लिप डार्कनिंग हुई है, तो उसको लाइटन अप करने में काफ़ी हेल्प करेगा. क्योंकि नंबर 1, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है, तो आपकी जितनी डेड स्किन सेल है उसको जेंटली एक्सफोलिएट करेगा वो. साथ में लिप लाइटन अप करने के लिए इसमें कोजिक एसिड है और इसमें लिकराइस एक्सट्रैक्ट्स भी हैं, और स्किन को सूद करने के लिए इसमें नाइसिनमाइड भी है. तो ओवरऑल जो कॉम्पोजिशन है काफ़ी लिप सूदिंग वे में बनाया हुआ है, तो बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है. बट एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब इसको लगाते हैं ना, तो एक वाइट कलर की कोट सा बन जाता है. इट्स नॉट क्लियर, इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट इन टेक्स्चर. तो आप इसको दिन में लगा के कहीं नहीं जा सकते, आप इसको रात ही में लगा सकते हो. एंड आइडियली भी इस तरह के प्रोडक्ट्स रात में ही लगाने चाहिए. एक वाइट सी लेयर आ जाती है लिप्स पे, जिसे आप नेक्स्ट डे इजीली वॉश ऑफ कर सकते हो. प्रोडक्ट नंबर 7 इज दिस NMF लिप बाम. दिस इज रियली गुड फॉर डे टाइम बिकॉज इसमें SPF 30 है. मेरे पास जो है उसमें SPF 40 है. इसमें दोनों आते हैं, 30 और 40 दोनों ही आते हैं. एक क्लियर टेक्स्चर्ड सिंपल सा बेसिक पैकेजिंग वाला लिप बाम है, बहुत ही अफोर्डेबल. आई थिंक 97 rupees और समथिंग 100 होगा एट द मैक्स. और बहुत ही सूदिंग है. इसमें एलोवेरा है, विटामिन ई है, स्किन को बहुत ज़्यादा ये सूद रखता है और काफ़ी घंटों के लिए आपकी लिप स्किन को मॉइस्चराइज करके रखता है. जो ड्राई और फटे हुए से लिप्स होते हैं ना, इनफैक्ट अगर ब्लीड भी कर रहे होंगे तो उसको भी बहुत आराम से बहुत क्विकली ये हील कर देता है. नाउ इसको मैंने इसलिए यूज़ करना स्टार्ट किया था क्योंकि इसमें SPF 40 है और मुझे ऐसा कोई दूसरा मार्केट में ईजिली अवेलेबल SPF बेस्ड लिप बाम नहीं मिला था जिसमें SPF 40 एंड अबव हो. तो सन से प्रोटेक्ट रखने के लिए अपने लिप्स को ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो यू शुड ऑल्सो यूज इट. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम एंड दिस इज बायलुमा. सम पीपल कॉल इट बिलुमा, सम पीपल कॉल इट बायलुमा.
Styluma. I really don't know the exact pronunciation, but this cream is very, very effective. अगर आपको hyperpigmentation का problem है, कोई पुराने dark spots हैं, brown spots हैं, acne pimple के marks हैं, कोई cuts और burns के भी निशान हैं, तो अगर आप इसको patiently कुछ हफ्तों के लिए use करोगे, this will definitely help you. एक तो इसमें kojic acid है, इसमें mulberry extract है, साथ में इसमें propylene glycol भी है, इसमें licorice extract भी है, तो ये जितनी सारी चीजें हैं, ये melanin के synthesis को reduce करती हैं, तो आपके dark spots धीरे 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 lighten up होते रहते हैं. बट ऑब्वियसली नीडलेस टू से इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप ऐसा कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो एक तो उसको पूरे फेस पे नहीं लगाना है इन द टेम्पटेशन ऑफ कि फेयर हो जाएंगे. सिर्फ स्पॉट ट्रीट करना होता है और नेक्स्ट डे सनस्क्रीन लगाना इट्स जस्ट नॉन नेगोशिएबल. सनस्क्रीन आप जरूर लगाएं, नहीं तो आपकी स्किन को ये और ज्यादा फोटो सेंसिटिव कर देता है. Okay, so the next product is again a skin brightening cream and this is D-Melon. This is a product जिसके बारे में I'm very sure आपने पहले भी सुन रखा है. काफ़ी time से product market में है and बहुत positive reviews हैं इसके. पर्सनली मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले यूज़ करा था जब मैं इस प्रोफेशन में थी भी नहीं, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ काफ़ी अच्छा रहा है. लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगी, इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, तो इसलिए जिनकी स्किन एक्सट्रीमली सेंसिटिव है उनको मैं विदाउट पैच टेस्ट इसको रिकमेंड नहीं करूँगी. आप एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि आप इसको थोड़े सा क्वांटिटी पी साइज लेके अपने रेगुलर मॉइस्चराइजर में मिक्स करके फिर लगा सकते हैं इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग इट डायरेक्टली इफ यू आर नॉट टू श्योर. नाउ डोंट बी टू स्केयर्ड के 10% ग्लाइकोलिक एसिड, बिकॉज ये सेरम फॉर्म नहीं है, ये क्रीम फॉर्म है, तो थोड़ा सा वो डाइल्यूट हो जाता है. बट स्टिल सेंसिटिव स्किन टाइप शुड ऑलवेज मिक्स इट अप विद द मॉइस्चराइजर एंड देन यूज इट. बाकी मोस्ट ऑफ अस आई थिंक वी हैव द स्ट्रेंथ टू टेक इट, तो उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इसमें 10% ग्लाइकोलिक एसिड है, 5% कोजिक एसिड, 2% कोजिक एसिड है और 5% अल्फा आर्बिटिन है. तो वो सारे इंग्रेडिएंट जो पिगमेंटेशन है उसको रिड्यूस करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो सब इसी में है. बट ध्यान रखें पूरे फेस पे यूज नहीं करना है, सिर्फ स्पॉट ट्रीट करना है. 10th प्रोडक्ट इज समथिंग जो कि अगर आपको बहुत ही पुराने स्टबन सालों और महीनों पुराने भी ऐसे दाग धब्बे निशान है किसी ना किसी वजह से, कट्स और बर्न्स और एक्ने पिंपल्स और इवन रेगुलर सनटैन, किसी भी कारण से आपको ऐसे निशान रह गए हैं जो नहीं जा रहे हैं, तो आप इसे यूज कर सकते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट मेडर्मा एडवांस्ड प्लस जेल. दिस लिटिल ट्यूब राइट हियर इज मैजिक. मैंने ऐसे भी अपने मेरे को हाथ पे निशान हो गया था जब मेरा हाथ एक बार जल गया था किचन में काम करते टाइम, और कुछ टाइम से आई थिंक 2014 या 15 का वो निशान था, और मैंने इसको 2017 या 18 में लगाना शुरू किया था थिंकिंग दैट क्या ही असर करेगा. बट दिस प्रोडक्ट रियली टुक मी बाय सरप्राइज. ये 5 से 7 साल पुराने जो निशान है उसको भी लाइटन अप करेगा. नाउ इफ यू आस्क मी फॉर द टाइम, ऑनेस्टली टाइम ड्यूरेशन लगेगी, इट रियली डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ दैट स्कार दैट यू आर टारगेटिंग. अगर कोई भी चीज़ आपको अभी हाल ही में हुई है तो जल्दी असर करेगा, कोई चीज़ बहुत पुरानी है तो ऑब्वियसली उसमें महीनों महीनों भी लग सकते हैं. सो उसका आंसर एक कंप्लीटली पर्सनल आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, बट दिस प्रोडक्ट फॉर श्योर वर्क्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फॉर पीपल जिनको डार्क नीज, नकल्स, एल्बोज या किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में जिनको डार्कनेस का प्रॉब्लम है. द वन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज ग्लाइको 6. इसमें ग्लाइको 12 भी आती है जिसमें ऑफकोर्स 12% का ग्लाइकोलिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन रहता है. आप उसको भी यूज कर सकते हैं, बट उसको आप बॉडी पार्ट्स, द रीजन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लाइको 6 एंड नॉट ग्लाइको 12 इज बिकॉज ऑफकोर्स एक तो ग्लाइको 12 थोड़ा सा पोटेंट होता है, तो थोड़ा सा केयरफुली यूज करना पड़ता है. वो भी आप यूज कर सकते हैं, बट वो बॉडी के रेस्ट ऑफ द पार्ट्स पे आप डार्कनेस को रिड्यूस करने के लिए यूज कर सकते हैं. लेकिन ग्लाइको 6 में ये होता है कि बॉडी के साथ साथ अगर आपके फेस पे भी कोई निशान है, नॉट इन जनरल ओवरऑल ब्राइटनेस के लिए, लेकिन अगर आपको कोई पुराना दाग धब्बा रह गया है, कोई कट्स या बर्न्स के निशान रह गए हैं, पिंपल्स के बाद एक कोई निशान रह गया है, तो स्टबन मार्क से भी अगर आप डील करना चाहते हैं तो आप ग्लाइको 6 यूज कर पाएंगे. ऑल्सो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आप ग्लाइको 6 को थोड़े से मॉइस्चराइजर के साथ डायल्यूट करके भी लगा पाएंगे. नीडलेस टू से इस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ बहुत इंपेरेटिव हो जाता है कि अगले दिन आप सनस्क्रीन बिल्कुल स्किप ना करें. बट ये प्रोडक्ट अगेन You don't have to treat it as a skin brightening cream. पूरे face पे नहीं लगानी है, सिर्फ spots को treat करना है. And this will really, really help you a lot. But you need to be patient with it, and you need to be regular and disciplined about your sunscreen. The next product is AC Pro Acne Clarifying Spray. अगर आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक्ने हैं, आपको बटक्स पे एक्ने हैं, बैक पे है, जहाँ कहीं भी आपका हाथ भी नहीं पहुँचता, तो इसमें स्प्रे फॉर्मेट दिया हुआ है, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप अपनी हेल्प से ही उस एरिया में आप इसको स्प्रे कर सकते हैं. बहुत ही सूदिंग था, ऐसा नहीं है कि एक्ने ड्राइंग
स्प्रे है तो इसलिए आपको खुजली वगैरह शुरू हो जाती है. इट वॉज वेरी वेरी सूदिंग. इसमें सैलिसिलिक एसिड है, नाइसिनमाइड है और एजिलैक एसिड है. तो ये जितने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं ये हेल्प करेंगे एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को कंट्रोल में रखने के लिए. मुझे ये रिकमेंड किया गया था जब एक बार किसी ने आई थिंक किसी एमेच्योर से मैंने वैक्सीन करा ली थी. मेरी बैक पे पूरे दाने आ गए थे, एकदम छोटे छोटे व्हाइट हेड्स वाले, और उनमें दर्द भी होता था और उनमें इचिंग भी होती थी. बहुत ही बुरा मेरा हाल हो गया था, पूरी बैक पे मेरे हो गया था. उस टाइम पे इस स्प्रे ने मुझे काफी हेल्प करा था क्योंकि वो एक्ने भी बहुत जल्दी सप्रेस हो गए थे और एक बहुत सूदिंग वे में स्किन पे ड्राइनेस और इचिंग नहीं बढ़ाता है ये स्प्रे. ये स्किन को सूद करते हुए उसके एक्ने को टारगेट करता है. तो बॉडी एक्ने के लिए इससे बेटर प्रोडक्ट कोई भी नहीं. नेक्स्ट अप इज एक्ने स्टार. नाउ एज द नेम सजेस्ट इटसेल्फ, इट इज अ प्रोडक्ट दैट यू नीड टू यूज टू स्पॉट ट्रीट योर एक्ने एंड पिंपल्स. ये बॉडी फेस कहीं पे भी एक्ने पिंपल्स हैं, अगर सिस्टिक भी हैं या फंगल भी हैं, पस्ट्यूल्स वाले हैं, पेनफुल रेड वाले हैं, हर तरीके के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं. ये भी काफी इनएक्सपेंसिव आता है और बहुत इफेक्टिव है, और सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है. इसमें जो मेन कॉम्पोजिशन है जस्ट लाइक द अदर्स, इसमें ऑल्सो उन्होंने यूज करा है क्लिंडामाइसिन एंड निकोटिनामाइड जेल. नाउ इससे पहले हम आगे बढ़े, क्योंकि ये नाम आपने कई बार सुने होंगे, तो मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. जो क्लिंडामाइसिन होता है वो एक बहुत बढ़िया एंटीबायोटिक होता है, तो जो भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ को कर्ब करता है वो. और ये जो निकोटिनामाइड जेल होता है, दिस इज नथिंग बट एन एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन B3 जैसे नाइसिनमाइड होता है. तो आपके स्किन की बैरियर को वो खराब नहीं करता, इनफैक्ट वो सेरामाइड सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है आपकी स्किन में. तो ये मेक श्योर करेगा कि जब आपने इसको लगाया हुआ है तो आपका वो जो सराउंडिंग स्किन है, जो नियर बाय स्किन है उस एक्ने और पिंपल के आसपास की, उसका बैरियर खराब नहीं हो रहा है और वो सूद हो रही है, वो इरिटेट नहीं हो रही, उस पर आपको कॉन्स्टेंटली खुजली नहीं हो रही या फिर वो इरिटेट नहीं हो रही है. तो स्किन को सूद करते हुए आपके एक्ने पिंपल्स को स्पॉट ट्रीट करता है. सो द फॉर्मुलेशन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली ऑल्सो. The next product is a really good moisturizer, a very hydrating product for the people who have combination and dry and sensitive skin type. Not so much so for the acne prone, but I feel अगर आपकी skin dry है और combination या normal है तो आपको ये product बहुत पसंद आएगा. The one that I'm talking about is Hyalu Gel. अगर आपको बहुत thick हाइड्रेटिंग सेरम्स यूज करना पसंद नहीं है, लाइक आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत सारे लोगों को हाइलुरोनिक एसिड सेरम्स वगैरह यूज करना भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो स्किन को हाइड्रेट तो कर देता है लेकिन एक बहुत चिपचिप टैकी सी फीलिंग उनको फील होती है, फिर उसमें कई बहुत ज्यादा देर लगती है उसको स्किन में अब्जॉर्ब होने के लिए. तो इफ सिमिलर इज योर इशू देन दिस प्रोडक्ट विल रियली इंप्रेस यू, बिकॉज एक तो ये बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजिंग है, फास्ट एब्जॉर्बिंग है, कुछ ही सेकंड्स में अपना काम शुरू कर देता है और बहुत घंटों के लिए आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. इट इज पैक्ड विद एमोलिएंट्स और बहुत ही अफोर्डेबल भी है. इसमें कोई कलर नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है और ये आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करता है, और किसी भी वेदर में दिस इज गोना फील सुपर कंफर्टेबल ऑन योर स्किन. तो अगर आपकी स्किन ड्राई और इची हो जाती है या एक मैच्योरिंग स्किन की तरफ से है, एजिंग स्किन की तरफ है आपकी स्किन, तो दिस प्रोडक्ट विल डेफिनेटली हेल्प यू. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ बॉडी लोशन फॉर स्किन एंड दिस इज द NMF विटामिन ई बॉडी लोशन. इसे बहुत सारे डर्मैट्स रेकमेंड करते हैं अगर आपकी स्किन पे इचीनेस है, फ्लेकीनेस है, ड्राइनेस है. तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइज, इसमें विटामिन ई, एलोवेरा, इस तरह की चीजें हैं, बहुत से मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स हैं. सो नो डाउट इट्स अ गुड बॉडी मॉइस्चराइजर. अगर आपकी स्किन पे आपको ड्राइनेस फील होती है तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत इनएक्सपेंसिव है. बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज अगर आपको एक्ने पिंपल्स वगैरह होते हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है, इवन बॉडी स्किन भी कई लोगों की बहुत सेंसिटिव होती है, तो आप को शायद ये सूट नहीं करेगा क्योंकि इसमें परफ्यूम है और वो बिल्कुल लास्ट में नहीं है, थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है. इट्स वेरी एविडेंट जब लगाते हैं तो प्रॉपरली आपसे कोई एक मीटर दूर भी खड़ा होगा उसको भी फ्रेग्रेंस आएगी, इतनी फ्रेग्रेंस इसमें है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉर्मल कॉम्बिनेशन या ड्राई स्किन के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आपकी बॉडी स्किन भी सेंसिटिव है या एक्ने प्रोन स्किन है, देन दिस प्रोडक्ट मे नॉट वर्क फॉर यू. Next one is Calizin Lotion. This one is made up of calamine, sulfur and zinc oxide. ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको back acne या butt acne होते हैं, या body के किसी भी part पे जिनको acne होते हैं, या even without acne अगर आपको constant itching, irritation, redness होती है, rashes होते रहते हैं. Like I know for a fact कि मुझे बैठे बैठे बिना कुछ करे भी suddenly I'm just sitting here और मेरी skin पे एकदम से rashes आने शुरू हो जाते हैं, तो मैं काफ़ी घबरा भी जाती थी शुरू में कि ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा इतना केयर के बावजूद भी ऐसा क्यों होता है. तो ऐसे टाइम पर इस लोशन ने मुझे काफी हेल्प करा था. इनफैक्ट जब मेरी बैक भी पूरी एक्ने से भर गई थी, जो कि मैंने बताया जब मैंने AC प्रो यूज करा था, तो दिन में एक बार मैं AC प्रो स्प्रे लगाती थी और रात के टाइम पे मैं ये लगाती थी. इससे मेरी पूरी जो इचिंग थी, जो सेंसिटिविटी थी बैक की, वो बहुत आसानी से सूद हो जाती थी.
किसी भी तरह का जो कैलामाइन लोशन होता है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ द पाउडर्ड कैलामाइन मिनरल. तो उसका मेनली यही पर्पस होता है कि वो उसमें एक सक्शन और एब्जॉर्बिंग का कैपेसिटी होता है. तो जितने भी एक्ने जिन पे वाइट हेड्स वगैरह होते हैं, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है ना, उसको बिल्कुल सक आउट कर लेता है और कम्प्लीटली ड्राई कर देता है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, वो आपकी स्किन को इरिटेट बिल्कुल नहीं करता, उसको एकदम काम डाउन रखता है. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट. The next product is a recent discovery of mine and I'm very proud of it because this one product took me by surprise. This helps so so much and is again high quality and super affordable. The one that I'm talking about is Azzyderm 10%. Isme 15% bhi aata hai, 20% bhi aata hai, but for now let's stick to just 10%. I think that is enough. Now kai logo ko azelaic acid bhi 10% sunke ghabrahat si ho rahi hogi, to main clarify kar dun, serums mein obviously percentage bahut high lagti hai, lekin ye jo is tarike ke cream gel based format mein hota hai, to fir 10% is fine. द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज दैट आप इसको एक्ने पे भी लगा सकते हैं और उसके जाने के बाद जो पीछे से निशान रह जाते हैं उस पर भी लगा सकते हैं. तो ये वो इकलौती क्रीम है जो हाइपर पिगमेंटेशन भी टारगेट करती है और एक्ने पिम्पल्स भी टारगेट करती है. दिस वर्क्स ऑन बोथ ऑफ द थिंग्स एंड दैट टू इन अ वेरी जेंटल वे. इवन द मोस्ट सेंसिटिव स्किन टाइप विल बेनिफिट फ्रॉम इट एंड दिस इज वेरी कंफर्टेबल. बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, आप प्रेगनेंट है, लैक्टेटिंग है, या फिर अगर आप एक टीनेजर हैं या कोई बच्चे हैं जो 12 साल से कम अगर आपकी उम्र है, तो आप इसे नहीं लगा सकते. बट अदर देन दैट, फॉर एवरीवन दिस इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज फिजियोजेल हाइपो एलर्जेनिक डेली मॉइस्चर थेरेपी बॉडी लोशन. दिस वन इज रेकमेंडेड फॉर पीपल जिनकी बॉडी स्किन बहुत ड्राई और सेंसिटिव है और इचिंग और रेडनेस रैशेस प्रोन है. नाउ इफ दैट इज योर केस, देन दिस प्रोडक्ट यू कैन ब्लाइंडली बैंक अपॉन. पहले मैंने जब NMF बॉडी लोशन की बात करी थी तो मैंने बताया था कि उसमें फ्रेग्रेंस है, तो इसलिए जिनकी स्किन टाइप बहुत ज्यादा सेंसिटिव है वो उसको यूज ना करें तो अच्छा होगा. लेकिन अगर आपकी बॉडी स्किन बहुत सेंसिटिव और एक्ने प्रोन भी है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं. एंड ऑफकोर्स ड्राई और सेंसिटिव है तो यूज कर ही सकते हैं. दिस विल रिलीव एनी काइंड ऑफ इचिंग एंड रेडनेस, इरिटेशन, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. ऑल्सो इसमें कोई कलर नहीं है, कोई फ्रेग्रेंस नहीं है. इनफैक्ट दिस इज लोडेड विद अ लॉट ऑफ सेरामाइड्स, तो आपकी स्किन का जो बैरियर है उसको रिपेयर करने में भी ये काफी हेल्पफुल है. एक और बात, अगर आप इसे फेस पे भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि अगर आपको सिस्टिक एक्ने या फंगल एक्ने है तो आप इसको ज़रूर अवॉइड करें, क्योंकि इसमें 2-3 तरीके के ऑयल्स दिए हुए हैं. तो आई थिंक फंगल एक्ने के लिए वो अच्छा नहीं है, वो आपको एक सिचुएशन ट्रिगर कर सकता है. यू वांट टू अवॉइड दैट. सो अनलेस यू हैव फंगल और सिस्टिक एक्ने, यू कैन यूज इट ऑन योर फेस ऑल्सो, बट पर्सनली इन माई केस आई प्रेफर यूजिंग इट ऑन माई बॉडी. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एमोलिन. इसकी कंडीशन देख के आपको पता चल सकता है कि मैंने इसको किस हद तक यूज़ करा है, पूरा खत्म कर दिया है मैंने इसको. अगर आपकी स्किन ड्राई है, कॉम्बिनेशन है या नॉर्मल है, या फिर अभी जैसे मॉनसून चल रहा है आपको लग रहा है आपकी स्किन थोड़ा मॉइस्चर लॉस कर रही है, देन यू आर गोइंग टू लव दिस. अफोर्डेबल भी है और बहुत ही सुपर रिच इन फॉर्मुलेशन भी है. एक तो इसमें यूरिया है. पहले मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ, कई लोगों को यूरिया एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सा इंग्रेडिएंट लगता है. लेट मी क्लैरिफाई दिस वंस एंड फॉर ऑल. यूरिया बेसिकली हमारे स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर में ही होता है, तो आपकी स्किन उसे एज अ फॉरन पार्टिकल आइडेंटिफाई नहीं करती है, इट ईजिली एक्सेप्ट दैट. तो इसमें कोई खराबी नहीं है. बॉडी स्किन के बैरियर को रिपेयर करने के लिए वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी. और साथ में उसमें प्रोपिलिन ग्लाइकॉल भी है. बेसिकली ये जितने तरह के ग्लाइकॉल्स हैं, ये एमोलियंस हैं, आपकी स्किन का मॉइस्चर कॉन्टेंट बढ़ा देते हैं. तो आप इसको बॉडी पे भी लगा सकते हैं, आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं. और ये काफी ज्यादा क्वांटिटी इसमें देते हैं फॉर हार्डली आई थिंक 280-290 रुपीज. MRP इसका 300 है, लेकिन वेबसाइट्स पे आपको 270-280 रुपीज में मिल जाता है और कई हफ्तों तक चलता है. आई थिंक ये काफी सिंपल सा एक बेसिक मॉइस्चराइजर है, बट आप इस पे डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं. डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दोज एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर. दिस वन विल रियली हेल्प यू अलॉट. फिनिशिंग ऑफ टुडेज लिस्ट विद द लास्ट क्रीम दैट आई हैव इन माय हैंड, व्हिच इज Evion क्रीम. नाउ दिस वन इज अ सिंपल बेसिक मॉइस्चराइजर, नथिंग टू फैंसी. इसमें विटामिन ई है, एलोवेरा है, लाइट लिक्विड पैराफिन है, इसमें प्रोपिलिन ग्लाइकॉल है, बहुत सारे एमोलियंस हैं. आई थिंक अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन या फिर ड्राई है तो ये आपके लिए बहुत एक एनरिचिंग और मॉइस्चराइजिंग सी क्रीम रहेगी. मैच्योरिंग स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है. इसमें बहुत से एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, एमोलियंस हैं, ऑल गुड स्टफ. ओके, फॉर्मुलेशन से कोई कंप्लेन नहीं है. लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्ने होती है, अगर आपको एक्ने प्रोन स्किन टाइप है, तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड नहीं करूंगी. अगर सेंसिटिव स्किन टाइप है तो भी, क्योंकि इसमें काफी परफ्यूम है ऐसा मुझे लगा. लाइक इन द इंग्रेडिएंट्स इट इज समथिंग व्हिच इज मेंशनड एज द सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट, बट फॉर सम रीजन व्हेन आई पुट इट ऑन आई वेयर इट, माय एंटायर रूम स्मेल्स. इट्स लाइक दैट मच. सो अगर आपको
ज़्यादा फ्रेग्रेंस वाले प्रोडक्ट्स पसंद नहीं है या सूट नहीं करते, देन यू माइट वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम इट, बट अदरवाइज इन जनरल इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर. All right, you guys, so with that, I have come to the end of today's video. I'm really very sorry. I tried my best to not make it so long, but it unfortunately turned out to be really, really long. So really sorry about that. But I hope these suggestions do help you out. अगर आपको कोई questions हैं इनके बारे में या फिर आपने पहले इनमें से किसी को use करा है तो अपना experience please comment section में जरूर share करें सबके साथ. I would love to read that. That's it for today's video. I'm going to see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.